हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका ब्यूटी में। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सुंदर सा एक हेयर कट लेके आई हूँ। बाल बिल्कुल भी छोटे नहीं करने हैं दोस्तों, और बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा, लेकिन लुक ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको देख के यकीन नहीं होगा कि बिना हेयर कट किए भी हेयर कट किया जा सकता है, डिज़ाइन किया जा सकता है बिना छोटा किए भी। तो आप देख सकते हो इस फिलहाल लेंथ कितना है, और इसी में ही मुझे कटिंग करना है। तो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ है, मतलब कि थोड़ा अजीब सा, मतलब थोड़ा रफ़ हेयर है, और बिल्कुल छोटे नहीं करने हैं। और इसी में हेयर कट करना है, बिल्कुल डिज़ाइन चेंज कर देना है हेयर का। ऐसा करना है कि लुक बहुत अच्छा लगे बिना छोटे किए ही। तो चलते हैं, देखते हैं। आज तो ये चैलेंज वाली बात है कि छोटे भी ना हो और लुक बिल्कुल चेंज जाए। आप देखोगे ना, कटिंग इतनी सुंदर हुई है कि आपको लगेगा कितना सारा बाल कटा होगा तो ये वाला लुक आया होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सामने आपके हेयर कट कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ना थोड़े से बाल गीले किए हैं, उसके बाद मैंने इसमें सीरम यूज किया है ताकि बहुत आराम से मैं इसमें कॉम कर सकूँ, क्योंकि ना बाल बहुत रफ थे तो कॉम करने में भी इलझ रहे थे बहुत ज़्यादा। और मतलब हाथ में लेके ना बड़ी रफनेस फील हो रही थी, कॉम करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो थोड़ा सा मैंने जब सीरम यूज कर दिया ना, तो बहुत अच्छे से बाल में कॉम हो गया, बिल्कुल भी नहीं उलझे हैं। तो अब देख सकते हो कितने ज़्यादा फ्रिजी हेयर हैं, और छोटे छोटे बेबी हेयर देख रहे हो, पूरा चारों तरफ से बेबी हेयर है, और बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इस वजह से भी इन्होंने हेयर कट करवाया है। मैंने बहुत अच्छे से कॉम किया है बालों में, देख सकते हो आप, और सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पे पोनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल टॉप पे ले जाके जितने भी पोनी थी, जो भी फ्रिजी हेयर थे, उसको मैंने एक बार में, आप देख सकते हो, ऐसे ही कट कर दिया। और सिर्फ हल्के ही बाल छोटे हुए हैं। आप देखोगे ना, सिर्फ 1 इंच बाल कटे हैं, बाकी जो ज़्यादा दिख रहा है ना, ये आपको, ये सबसे टॉप का लेयर है, और सिर्फ इतना ही, यही कटिंग है। और इसी में आप देख सकते हो एक बार में स्टेप्स कितना सुंदर आ गया है। अब इसमें स्टेप्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब मैं हेयर कट करती हूँ ना किसी का, उनको यकीन नहीं होता है कि बिना छोटे किए ही बाल और हेयर कट हो गया है। तो ये वाला बाल बस इतना ही कट हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। और स्टेप्स पूरे बालों में, एक बार में ही पूरे बालों में स्टेप्स आ गया है, ये भी आपके सामने है। तो आप देख सकते हो अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं हुई है ना, और लेंथ मुझे अब छोटा करना है। सिर्फ मैंने क्या किया है, दोनों साइड से बालों में ऐसे पार्टीशन कर दिया है, और एक बार ना मुझे चेक करना है क्योंकि स्टेप्स बिल्कुल इक्वल हैं या नहीं है। तो क्या करना है आपको, सारे बालों को इस तरह से एक तरफ से, मतलब एक तरफ के बालों को इस तरह पकड़ के आपको सिर्फ स्ट्रेट ऐसे ले जाके और हल्का सा ट्रिम कर देना है। ये जो बाल दिख रहे हैं ना आपको, बस इसे ही ट्रिम करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर ले जाना है और हल्का हल्का ही ट्रिम कर देना है। इससे क्या होगा ना, जो आपके स्टेप्स आपने एक बार में दिए हैं बालों में, उसमें थोड़ी सी शार्पनेस आ जाएगी, थोड़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, और स्टेप्स डल गए, बस कटिंग हो चुकी है। ऐसे ही मैं इस साइड भी कर रही हूँ, हल्का सा बस शार्पनेस देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए ये मैंने किया है। और आप देखिए, कटिंग बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पे भी बिल्कुल कुछ कट नहीं करना था, क्योंकि ना बाल कर्ली है ना, इसको मैं ज़रा सा भी कट करूँगी तो ये ऊपर को हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा, तो बहुत छोटा लगेगा ये, इसलिए भी मैंने छोटा नहीं किया है। और जो लुक इनको आया है ना, आप देखोगे इतना सुंदर लुक आया इनको, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि बिना बाल छोटे किए भी ऐसी कटिंग हो सकती है, ऐसा लुक हम अपने रख सकते हैं हेयर में। तो दोस्तों देखिए, मैटर करता है वो क्लाइंट के हेयर के ऊपर। इनके बाल कर्ली ज़रूर है, छोटे ज़रूर हैं, लेकिन थोड़े हैवी हैं, तो बहुत लाइट सा भी स्टेप्स देने के बाद ना कर्ल बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा है। आपको देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब ये जो फ्रंट मैं ले आई हूँ, कटिंग मुझे नहीं करना था, बस हल्का सा शार्पनेस दिया है ताकि अगर ये पफ वगैरह कुछ बनाते हैं ना तो बहुत ईजिली बन जाए, और थोड़ा सा अगर कभी बाई चांस फेस पर भी एक दो लट इनको रखनी, एक दो लेयर रखना हो, वो भी अच्छे से दिख जाए और ये मैनेज कर सकें। और क्या करना, थोड़ा सा फोरहेड ना हल्का हल्का सा ब्रॉड था, ज़्यादा तो नहीं, ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने थोड़ा सा हल्का सा बहुत लाइट सा ही फ्लिक्स दिया है, आप देख सकते हो,
इस तरह से आपको बॉक्स सेक्शन लेना है और इसे हल्का सा बस ट्रिम कर दिया है। इसे ना लुक बिल्कुल चेंज हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी मैंने कोई ड्रायर व्रायर कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट बस हेयर कट किया है और अपने आप सेटिंग हो चुकी है, अपने आप स्टेप्स दिख रहे हैं। तो देख सकते हो क्लाइंट कितना ज़्यादा खुश है, मतलब कहने का ये है ना कि बिना कट किए और बिना बाल छोटे किए ही स्टेप्स कटिंग हो गई है और लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। पता है आपको यही वाली खुशी ना मुझे सबके फेस पे देख के इतना पर्सनली खुश होती हूँ मैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखो कटिंग चाहे कैसी भी हो, आपको अच्छी शायद ना लग रही हो या करने का तरीका ना अच्छा लग रहा हो, मेरे लिए क्या है, क्लाइंट खुश है बस, यही बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी भी तरीके से कट किया हो, चाहे कैसे भी स्टेप्स डाला हो, चाहे कैसा भी लुक लग रहा हो, मैं ना जो क्लाइंट के फेस पे ये खुशी देखती हूँ, ये हैप्पीनेस देखती हूँ ना, मेरा पूरा काम ओके हो जाता है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि देखिए जैसा क्लाइंट को चाहिए होता है ना वो मैंने दे दिया है, वो मैं कर पाई हूँ। मुझे इससे ज़्यादा खुशी कुछ किसी भी चीज़ में नहीं लगती है कि अगर आप किसी उम्मीद से मेरे पास आए हो और मैंने आपको वो कर दिया है ना, सच में पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपके साथ मैंने जो शेयर किया है ना ये क्लाइंट की खुशी, सच में पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ ना आपके साथ दिखा नहीं सकती हूँ, आज थोड़ा सा सूट हो ही गया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।